की समरी में नोट कर रही हूँ, आपको व्हाट्सएप में शेयर हो गई है ना। तो देखो 100 क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं, 1,000 रुपए वाले है ना, फुल्ली पेड है, याद रखना। 1 लाख ये हो गया है ना। फिर इसमें से घटाओ लेस जिसका नहीं आया अमाउंट, ठीक है। इसमें ऊपर लिखा है फुल्ली कॉल्ड अप है, तो किसी का नहीं आया होगा, कॉल इन एरियर्स हो गया होगा। कितने का? 500 का। तो बचा कितना? 99,500। ये हो गया अमाउंट पेड अप। फिर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। ये फर्स्ट है, ये कैश एट बैंक, तो बैंक पे कितना कैश रखा है? 55,000। नेक्स्ट देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रतिभूति प्रव्याजी संचय खाता। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में लिखा है 14,000। फिर जनरल रिजर्व देखो 34,000। फिर डिविडेंड लाभांश है ना, प्रस्तावित लाभांश, प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है? 7,840। नेक्स्ट देखो, संचालकों ने 98 पूर्वाधिकार अंशों का 10% प्रीमियम पर भुगतान किया। द डायरेक्टर्स रिडीम्ड, रिडीम कर रहा है देखो, कितने? 98 प्रेफरेंस शेयर्स। कितने हैं पूरे कंपनी के पास? टोटल कितने हैं? ये देखो 100। और कर कितने रहा है देखो? 98। किस पे? प्रीमियम पे। टेन परसेंट प्रीमियम फॉर दैट पर्पस मेड अ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखो, इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग करने के पश्चात इतने नए समता अंशों का निर्गमन किया गया जितने की आवश्यकता इस संबंध में थी, और पूर्वाधिकार लाभांश का भी भुगतान किया गया। मतलब डिविडेंड भी पे कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स भी पे कर रहा है। किसमें से पे कर रहा है? नए समता अंशों का निर्गमन, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखो, ये सेकेंड वेराइटी है क्वेश्चन की। कल कल बोल रही हूँ, लास्ट क्लास में हमने जो वेराइटी की थी वो कौन सी थी वेराइटी? जो लाभों में से दिया गया था, डिविजिबल प्रॉफिट, है ना? याद आया? मैंने मेथड्स करवाए थे आप लोगों को। एक था आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, अब ये किसका है? फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब इन प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के लिए कंपनी ने नए इक्विटी शेयर इश्यू किए। तो ये सेकेंड वेराइटी, न्यू इक्विटी शेयर है ना, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। चलो एंट्री बनाए अपन, ठीक है? चलो जनरल एंट्रीज के लिए कॉलम बनाओ, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जल्दी से। किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है समझने में तो पूछ लो जल्दी से। कॉलम बनाओ, डेट, पर्टिकुलर। कॉलम बन गए मैम। ओके, चलो फर्स्ट एंट्री देखो, उतने का ही वो इश्यू करेगा जितने की उसको जरूरत थी, क्वेश्चन में क्लियर कट दिया है। और देखो, उसको इश्यू इतना करना है कि इक्विटी शेयर का भी चले जाए और उसमें प्रस्तावित लाभांश। तो देखो, प्रपोज डिविडेंड कितना है बेटा? 7,840 का है ना। तो बताओ कितने का इश्यू करेगा? है ना। तो उपयुक्त साधनों का वो क्या उपयोग करने के बाद, तो क्या है उसमें देखो, जनरल रिजर्व का अमाउंट यूज करेंगे अपन, ठीक है? कितना? 34,000। और देखो 98 इश्यू कर रहा है, तो फर्स्ट एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का कर रही है? 64,000 का। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि कितने रुपए का एक शेयर है, इसलिए हम उसको कुछ भी इशू नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे बींग इशू ऑफ इक्विटी शेयर। बस सेकेंड एंट्री क्या होगी देखो, अब देखो ये जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है इसको किस अकाउंट में डालेंगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये मैंने पहले भी बताया है कि जो शोधन के लिए जो अमाउंट लिया जाता है उसको कौन से अकाउंट में डालते हैं बताओ, बताया ना मैंने, पूंजी शोधन संचय खाते में उसको क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो सेकेंड एंट्री देखो, जनरल रिजर्व से पैसे लिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना लिए? 34,000। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। एंट्रीज याद आ रही है ना हमने किस टाइप से की थी एंट्रीज? यस मैम। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड एंट्री क्या करते हैं देखो अपने सीक्वेंस में, फिर हम प्रीमियम का अमाउंट लेते हैं। देखो अपनी एंट्रीज खोल के बैठो बेटा, है ना, फिर उसमें देखो मैंने थर्ड एंट्री क्या करवाई थी, शोधन पर दी जाने वाली प्रीमियम की राशि। तो देखो ये प्रीमियम पे ले रहा है, कितना परसेंट प्रीमियम पे? 10%। तो एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 8%। एक सेकेंड है ना, क्वेश्चन में कितने रुपए वाले थे? 8% वाले। टू प्रीमियम ऑन एट परसेंट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक। तो 10% प्रीमियम पे है, तो देखो 98 शेयर्स हैं, 100 रुपीज वाले का कितना परसेंट? 10% प्रीमियम पे हम दे रहे हैं, तो कितना देंगे इनको? देखो 98,000 था ना, ये एक जीरो कम हो गया ना, 98,000 का 10% 9800। यहां तक कोई डाउट है एंट्री में? नो मैम। फिर फोर्थ ना, फिर फोर्थ एंट्री देखो क्या होगी। देखो जो एंट्रीज करवाई हूँ ना मैं आपको, जनरल एंट्रीज, बस उसका सीक्वेंस फॉलो करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे, अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित करेंगे, तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, सॉरी कैपिटल में आएगा, डेबिट टू 8% ये वाला देखो प्रीमियम ऑन 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट टू 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो अंशधारियों के खाते में गया शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये देखो इसका 98,000, ठीक, फिर 9800, इसका टोटल करेंगे ना तो 107,800। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, फिर क्या करते हैं? अब देखो इनको प्रस्तावित लाभांश भी दे रहा है, तो मैंने बताया है 8% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितने का है? 7840 देखो ये दिया है क्वेश्चन में, टू दे देंगे तो बैंक से देंगे कैश,
नेक्स्ट एंट्री देखो, 6th वाला, अब इनको पेमेंट कर देंगे तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना दे देंगे, 1,07,800। आया समझ में? ये देखो, ये 1,07,800, ये देखो शेयर होल्डर यहाँ पे डेबिट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे डेबिट हो गया। अमाउंट देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड वेराइटी थी, बस इतनी ही एंट्रीज होंगी। देखो पहली वेराइटी क्या किया था हमने, डिविजिबल प्रॉफिट में से दिया था, तो उसमें क्या होता था हर साल अमाउंट की, और इसमें एक ही बार में कंप्लीट। सबको मिला आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन? यस मैम। देखो, एक कंपनी अपने 100 रुपए वाले 2000 11% पूर्वाधिकार अंशों का 10% प्रीमियम पर शोधन करना चाहती है। तो देखो मैं क्वेश्चन की समरी नोट करते जाती हूँ, इजी हो जाएगा। कितने रुपए वाले हैं? 100 रुपए वाले। कितने? 2000 पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। कितने रुपए प्रीमियम पर? माइक म्यूट कर लो। कौन एंटर हुआ है क्लास में? माइक म्यूट करो। देखो 10% प्रीमियम पर कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन पर देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दिया है, कितने का दिया है? 6,000 का। फिर क्या दिया है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है। कितना दिया है? देखो 25,000। फिर देखो क्या किया, संचालक ने न्यूनतम संख्या में, ठीक है, कम मतलब मिनिमम कर रहा है, ठीक है, कितना फ्रेश इशू कर रहा है इक्विटी शेयर्स, कितने रुपए वाला इक्विटी शेयर इशू कर रहा है? 100 रुपए वाला। देखो वो भी 5% प्रीमियम पे। बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है कि कहाँ से होगा, बस ये बोल रहा है कि इक्विटी शेयर कर रहा है मिनिमम। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया सबको जो लिखा है मैंने? Yes, ma'am. अब देखो क्वेश्चन में, इसको 2000 रिडेम्पशन करने, शोधन करने है, कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। तो इसको देखो कितने पैसे चाहिए, 2,00,000 चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो कैपिटल का अमाउंट हो गया। फिर प्रीमियम पे करना चाहता है 10%, तो 10% प्रीमियम पे कितना हो गया? देखो 20,000 हुआ। यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। तो इसमें ओवरऑल कितना पैसा चाहिए? 2,20,000। अब क्वेश्चन में देखो, प्रीमियम खाते में है कितने इसके पास? 6,000, और इसको प्रीमियम पे देने कितने हैं? 20,000। यानी इसको प्रीमियम के लिए और कितने पैसे चाहिए? 14,000, ठीक। और दूसरी चीज, शेयर्स देखो, इसको कितने के करने? 2,00,000 के। लेकिन इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शेयर है, पैसे कितने हैं? 25,000 के। यानी इसको कितना और चाहिए? 1,75,000 और चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। प्लस ये अब क्या होता है,
है ना, और इसको इक्विटी शेयर जो ये फ्रेश इशू कर रहा है उसमें एक वर्ड यूज किया है मिनिमम, कम से कम क्या इशू करना चाहता है शेयर, वो भी कितने रुपए वाला, 100 रुपए वाला, और उसमें एक चीज और ऐड करनी है क्या, प्रीमियम पे ये इशू कर रहा है 5% पे। तो अब देखो यहाँ पे नोट करते चलो ना साथ साथ। अब ये समझो कि जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर हो रहा है वो समझो एक्स हो रहा है, कितना हो रहा है एक्स, ठीक। अब देखो हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए भी पैसे चाहिए प्लस हमको प्रीमियम के लिए भी पैसे चाहिए। ये देखो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कितना चाहिए 2 लाख प्लस प्रीमियम के लिए कितना चाहिए 20,000। अब देखो उसकी भरपाई कैसे हो रही है, एक तो हो रही है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में से जिसमें 6,000 ऑलरेडी है, प्लस स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितने का है वो देखो 25,000 का, तो जो बचा हुआ पैसा है उतने में से क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर इश्यू हो जाएंगे। आ रहा है समझ में स्टेटमेंट जो मैंने बनाया? ठीक है, लेकिन ये जो शेयर हम इश्यू कर रहे हैं ठीक है 100 रुपए वाला, अब इसके साथ हमको प्रीमियम भी चाहिए, कितना परसेंट प्रीमियम चाहिए 5%, और कंपनी ने क्या बोला है कम से कम शेयर इश्यू करना है, तो हम प्रीमियम का अमाउंट भी इसमें ले लेंगे कितने परसेंट पे 5% पे, तो समझो 5x/100 वो वाला अमाउंट भी हम इसमें यूज कर लेंगे प्रीमियम वाला भी, तो ये हो गया एक्स प्लस 5x/100, ये बना स्टेटमेंट, ये हो गया अपना 2,20,000, ये हो गया हमारा 31,000 प्लस एलसीएम लो, ये हो गया 20x/5x तो 2,20,000, ये हो गया 31,000 प्लस 25x/100, आ रहा है समझ में क्या किया है? सॉरी एक सेकेंड, ये 100 होगा ना? यस मैम, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुको हाँ एक मिनट, अरे आप लोग करेक्ट क्यों नहीं करते हो, कुछ कैलकुलेशन गलत हो जाती है, 20 के जगह पे 100 आएगा ना मैम? हाँ आप बताते क्यों नहीं हो कुछ मिस गलत में, तो कितना हुआ ये 105x/100। अब ठीक है? यस मैम। चलो इसको माइनस करो, 2,20,000 को माइनस करो 31,000 से, कितना आएगा? 31,000 कैलकुलेशन करो, जनरल एंट्रीज भी करनी है। 1,89,000 आ रहा है, ठीक है, इनटू 105x/100 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनटू 100 डिवाइड बाय 105, एक्स यही रहेगा, तो ये आएगा अपना 1,80,000। 1,80,000, ठीक है। तो देखो जो हमने देखो प्रीमियम का अमाउंट भी इसलिए इसमें जोड़ा क्योंकि कंपनी बोलती है कि हमको कम से कम शेयर इशू करना है, तो मतलब जो प्रीमियम का अमाउंट आएगा उस फ्रेश इशू ऑफ शेयर में से हम उसको भी करेंगे। देखो इस क्वेश्चन की सबसे अलग बात क्या था, जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर वाली की जो वैरायटी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में की वो सिंपल शेयर इशू कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए। तो देखो 1,80,000 का ये इशू करेगा, अब इसमें देखो शेयर्स कितने के हैं, देखो 100 रुपए का एक शेयर बोला था और ये एक्स की वैल्यू आई है अभी,
ठीक है, अभी किसकी वैल्यू आई है, सिर्फ एक्स की, देखो ये वाले पोर्शन की, इसकी नहीं आई है अभी। तो एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो 1,80,000 को डिवाइड करो 100 रुपए से, तो कितना आया, 1,800 शेयर, कितने रुपए वाला, 100 रुपए वाला, ये इश्यू करेंगे। यहां तक आया समझ में? और प्रीमियम yes, देखो कितना परसेंट बोला है, 5%। तो 100, 1 रुपए का शेयर, 5% प्रीमियम कितना होगा, 5 रुपए। तो शेयर्स कितने, 1,800 × 5 कितना होगा, 1,800 × 5 9,000 आया समझ में? यस मैम। रफ करूं, एंट्रीज बनानी है, किसी का नहीं हुआ है तो जल्दी से इसका बनाओ। यस मैम। किसका नोट नहीं हुआ है बताओ जल्दी। मैम एक मिनट, जल्दी से करो, है ना, समझ में आ रहा है सबको? कृष्णा, प्रिया, रिया, साक्षी, उषा, यस मैम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे? मैम यस मैम, जैसे हो जाए ना बताना जल्दी से, फिर अपन जनरल एंट्री करेंगे। पूरा हुई, हो गया सबका, किसी का नहीं हुआ है? यस मैम। आदित्य नहीं हुआ है बेटा? हो गया मैम। हो गया सबका, हाँ ठीक है, क्लियर कर रही हूँ। किसी का नहीं हुआ है तो बोल सकते हो अभी। यस मैम, हो गया मैम। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट बनाओ, जनरल एंट्रीज के लिए करो जल्दी से। ये लेजर फोलियो वगैरह बनाया करो, ठीक है, से क्या इम्प्रेशन भी अच्छा रहता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं एग्जाम में। ये डेट का हो जाएगा, अपनी तरफ से एकदम सही किया करो काम, ऐसे नहीं होने चाहिए कि एग्जाम में आप लोग कह रहे हैं कि हमको मार्क्स नहीं मिले, हम तो पूरा अच्छे से बना के आए थे। तो ऐसा कुछ काम मत करो कि सामने वाला मार्क्स काटे। यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, है ना, यहाँ पे लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कितने का कर रहा है देखो, 1,89,000 का, पूरा का पूरा 1,80,000 उसका, और ये प्रीमियम का भी मिला है इसको कितना, 9,000। फिर सेकेंड एंट्री क्या करेंगे इसमें देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट वर्ड इसलिए यूज किया है इसमें मैंने क्योंकि इसमें प्रीमियम है, डेबिट। कहीं डाउट है क्या एंट्री में, फर्स्ट और सेकेंड में तो पूछ लो पहले। योग्य टू इक्विटी कैपिटल और योग्य टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखो 1,800 शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से, प्लस प्रीमियम कितना था, 5 रुपए का, है ना, प्रीमियम 5 रुपए का नहीं था, एक सेकेंड, 5% का था, है ना, इंटू 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9,000, यहाँ हो जाएगा आपका 1,80,000 और ये हो गया आपका 1,89,000। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है। अब इसके बाद वाला अब आप लोग बनाना, क्योंकि टाइम लेफ्ट हो रहा है इसका। जो इसके पहले एंट्री करवाई थी ना, अब सेम एंट्री स्टार्ट करना आप लोग। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस को